देखिए, ये जो आगे का बैकअप क्लास का जो लेक्चर है उसमें मैंने अभी अभी फर्स्ट लेक्चर मैंने जस्ट अभी आपको भेजा है चैट बॉक्स में, और ये दूसरा लेक्चर है। तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन बताया जाएगा, कैसे प्रोटेक्शन होता है प्लांट्स का या जो क्रॉप्स का। तो पहला टॉपिक है ग्रेजिंग, मतलब ग्रेज करते हैं जो एनिमल्स उनसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हमें स्केयरक्रू, ये रहा स्केयरक्रू, और बीटिंग ड्रम, एक छोटा सा ऐसा डब्बा, ये होता है कुछ लोग ड्रम हाथ से बजाते हैं, कुछ लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट रेडीमेड आने लगा है बना हुआ, जिसको आप रख दो तो हवा से वो हिलता रहता है और आवाज आती रहती है उससे, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहता है क्रॉप। रैट्स एंड मोल, ये हो गया, इनको रोडेंटिसाइड्स, चूहे मारने की दवाइयों को रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। तो वो रोडेंट मतलब चूहे, मतलब रोडेंट एक ही बात है, ठीक है। मोल्स मतलब छछूंदर होता है। लोकस्ट एंड ग्रास होपर, ये रहा लोकस्ट एंड ग्रास होपर, इनका अटैक होता है उनके ऊपर, क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, खा जाते हैं ये लोग। तो इनके लिए हमें कई सारे ऐसे दवाइयाँ या इनको भी भगाने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं लोग, धुआं जलाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया इन, मतलब ये लोकस्ट अटैक होता है 4-5 साल बाद, एक बार आता है, लास्ट ईयर आया था ये। प्रोटेक्शन फ्रॉम जम, तो अभी प्रोटेक्शन फ्रॉम जम्स में क्या होगा, जम्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं, जर्मिसाइड्स होते हैं, जम्स को मारने के लिए जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब आते हैं, ठीक है ना। और इंसेक्टिसाइड, अच्छा ये नाम याद रखना आप लोग, ये नाम जरूर पूछे जाएंगे, मॉर्टन, मेथलॉन, डीडीटी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर आएंगे एग्जाम में। फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए कॉपर सल्फेट वगैरह, ब्लू विट्रॉल, ये सब नाम, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस इनके नाम आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, ये जो दिए गए हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं शुरुआत में, आप देखेंगे यहाँ पर एक वीट कंट्रोल नाम से एक टॉपिक आया था ये वाला, ये अनवांटेड प्लांट्स के लिए। तो ये हम यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल देखो ये पढ़ चुके हैं, वही नीचे फिर से आ गया, यहाँ पे सेम सेम टॉपिक नीचे फिर से आ गया। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो दूसरे प्लांट्स को मार देंगे, ऐसा होता है। हाँ, तो मतलब इस तरीके से मतलब क्या होगा कि जैसे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, आल्सो कॉल्ड पैथोजेंस, ये सब हो गया, ऑर्गन पेस्ट, वीड्स, इंसेक्ट, ठीक है ना, ये हो गया। इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, और इसमें क्या लिखा है, पेस्टिसाइड और पॉइजन विच रिमेन, नहीं ये टॉपिक मैंने शायद स्किप करवा दिया था, ये गलत लिखा हुआ है, नहीं ये टॉपिक नहीं पढ़ना है आप लोगों को, छोड़ देना है इस टॉपिक को, ये इस टॉपिक में थोड़ा करेक्शन है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल तो है लेकिन वो इसके अंदर के टॉपिक इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये अलग ही टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ देना आप लोग, आगे बढ़ेंगे। ये नाम याद रखना, डीडीटी का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है। इसके बाद इसका भी फुल फॉर्म आता है, और ये सब तो बातें मैं बता चुका हूँ आपको। हार्वेस्टिंग लास्ट टॉपिक है इसका, कैसे हमें जो प्रिपेयर्ड हो गई है, रेडी हो गई है क्रॉप, उसको हटाना मतलब निकालना है, तो उसके लिए कुछ 3 स्टेप होती हैं। मतलब पहला होगा उसमें कटिंग, मतलब जो हार्वेस्टिंग करना होगा, हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद होता है उसकी थ्रेशिंग, और लास्ट स्टेप होता है विनोइंग, ये आप याद रखिएगा, थ्रेशिंग और विनोइंग है। तो अभी ये बात जो है आपको पता चल गई। अब इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे मैनुअल हार्वेस्टिंग, हाथ से निकाला, पहले हमने उसको हाथ से काटा, फिर थ्रेशिंग मशीन होती है इसमें डाल दिया, ये जो यहाँ राइट साइड में है, इसमें से क्या होता है कि जो छिलका होता है वो सीड से अलग कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ द चाफ फ्रॉम द सीड इज नोन एज द थ्रेशिंग। उसके बाद लास्ट है आपका विनोइंग, जो डस्ट पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल रह जाते हैं सीड्स के साथ में, उनको ऐसे हवा से उड़ा के कुछ लोग पंखा भी यहाँ लगाते हैं, और इस तरीके से ये बाहर आ जाता है ये। तो ये सब हो गया है, ठीक है ना। अब एक और प्रोसेस है इसमें, कंबाइनर, कंबाइनर है लास्ट है ये सब। कंबाइनर में क्या होता है कि जो एक ही साथ काम कर देता है, सारा काम एक साथ कर देता है, मतलब वो पूरा तीनों, जैसे कटिंग भी कर देगा, थ्रेशिंग भी कर देगा, और विनोइंग भी कर देगा, तीनों एक तीनों, तो उसको कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं।
तो ये बात याद रखना, एक नया टूल आया है, मतलब है पहले से ही है, पर वो इंडिया में वैसे लोग कम ही यूज करते हैं, है ना। तो अच्छा ये हो गया। इसके बाद स्टोरेज ऑफ फार्म, मतलब सॉरी फार्म प्रोडक्ट यानी ग्रेन वगैरह जो हमने किए हैं उनको स्टोर करना है। तो एक मिनट रुकना, अभी हम पढ़ेंगे जो प्रोडक्ट यानी जो जो अभी हमने जो फसल लगाई है वो तैयार हो गई है, तो उसको हमने काट लिया रख लिया, अब उसको स्टोर करना। तो स्टोर करने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि वो ड्राई हो गए हो अच्छे तरीके से, उसके बाद ऐसी जगह रखेंगे जो ड्राई होगी, मॉइस्चर से फ्री होगी, और उसमें बिन्स में या हम सिलोज में स्टोर करेंगे। अभी मैंने सिलोज के बारे में आपको बताया था, बड़े बड़े से कंटेनर होते हैं उनके अंदर रखा जाता है। ग्रेनरीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट की ग्रेनरी होती है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जैसे गवर्नमेंट लोग जो गरीबों को या उन लोगों को जो अनाज बांटते हैं ना, उसको हम लोग राशन कार्ड वगैरह ये सब सुना होगा आपने, तो वो क्या होता है, ग्रेनरीज होती हैं, बोरे में भर भर के बहुत सारे जगह एक से खूब सारे एक साथ रख दिए जाते हैं। तो उसमें करते कोशिश है कि पहले वो मतलब इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव करके तब वहां पे रखा जाता है, मॉइस्चर वगैरह ग्रेनरीज वगैरह में ना जाए, नहीं तो क्या होगा, फंगल ग्रोथ और ये बीटल वगैरह ये सब जो है खा जाएंगे उसको। तो इस तरीके से हमको स्टोर करना है। यहाँ तक तो हो गया, ये अपना टॉपिक खत्म। अब आएगा क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने अभी तक जो किया, जो नॉर्मल एग्रीकल्चर किया, अब उसी में थोड़ा सा एडवांस बनाना है उसको। तो क्यों बनाना है एडवांस? तो एडवांस बनाना इसलिए सर है आपकी क्योंकि आवाज कट रही है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों करनी है, क्योंकि हमें कुछ फायदे चाहिए। कौन कौन से फायदे चाहिए हमको? जैसे हमें चाहिए कि वो छोटा हो जाए साइज में, लेकिन काम पूरा करे वो, मतलब कि छोटा तो हो बट स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब इतना मजबूत हो। मतलब पौधा बड़ा करके क्या करना है, जैसे गेहूं का पौधा है, बहुत बड़ा हो के करेगा भी क्या, उसमें मुझे गेहूं से मतलब है, मुझे उसके पौधे की हाइट से तो मतलब है नहीं। अब जैसे मान लो हम फ्रूट्स खाते हैं मैंगो, अब मुझे इससे क्या मतलब है कि मैंगो का जो है लीफ छोटा होगा कि बड़ा होगा, मुझे तो मैंगो की फ्रूट खाने से मतलब है ना। इसीलिए हमें उन पार्ट्स को ज्यादा ग्रोथ करानी है जिन पार्ट्स की हमको जरूरत है। अर्ली मेच्योर हो जाए, रिड्यूस क्रॉपिंग ड्यूरेशन, जल्दी जल्दी मेच्योर हो जाए ताकि हमको जल्दी जल्दी क्रॉप मिले। रेजिस्टेंट हो वो, उनमें क्षमता हो लड़ने की, किसके लिए, कई सारे ऐसे बुरे समय के लिए, जैसे पानी कम होता है, ड्राई पीरियड हो गया या बहुत ठंड पड़ गई, उसके लिए भी वो मरे नहीं पौधे। डिजीज से थोड़े प्रोटेक्टेड रहें, कुछ होते हैं पौधे जैसे उनमें, जैसे हम उसको इम्प्रूव करके हम कर सकते हैं ऐसा, और हो भी रहा है ऐसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी। आनंद में तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केड़ा में है, उसके बाद यूपी साइड में भी है, मेरठ में है, आगरा में है, बहुत सारी जगह पे है। इसके बाद बियरिंग मोर सीड पर ईयर, मतलब हमें बहुत सारे ऐसे उसमें अंकुरित हुए अनाज मिले, मतलब देखने को ऐसे ये मिले कि उसमें सीड्स बहुत सारे लगे हुए हैं। गेहूं में आप यही चाहोगे कि बहुत सारे सीड्स गेहूं के दिखाई दें। तो हमें इन सारी चीजों के लिए हमको इम्प्रूवमेंट करना है, इन सभी फायदों के लिए। अब ये करने के लिए किया क्या गया, बहुत पहले जो है देखो यहाँ लिखा हुआ है पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, न्यू दिल्ली, हल्द्वानी, परसिंग बेसिक रिसर्च इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, ये आप रीड कर लेना। क्रॉप रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान था एमएस स्वामीनाथन का, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आए इंडिया में। और उसके बाद ये डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर, वाइल वर्किंग एंड रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ द रॉक फील्ड फाउंडेशन प्रोग्राम इन मैक्सिको, डेवलप ड्वार्फ डाउ ड्रॉट, मतलब ऐसा प्लांट बनाया जो कि छोटा होगा, ड्रॉट एंड डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि सूखे से और बीमारियों से रेजिस्टेंट है वो, ऑफ वीट, गेहूं का वो पौधा था, विच ट्रिपल द मैक्सिको वीट यील्ड। देखो कितनी बड़ी बात है, इन्होंने ऐसा एक पौधा बनाया गेहूं का जो 3 गुना ज्यादा गेहूं पैदा करता है, साथ ही साथ उसमें पानी से मतलब ये सूखे से लड़ने की क्षमता है और डिजीज से भी रेजिस्टेंट है वो। तो ये बात भी याद रखना, पर इनका नाम तो याद ही रखना, एम एस स्वामीनाथन का, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाने वाले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब आएंगे आपके एग्जाम में। अब आगे आते हैं, क्या करना है हमें, ये ग्रोइंग वेजिटेबल्स ये आप कर लो, ये मैं छोड़ रहा हूँ।
इसके बाद ग्रोइंग फ्रूट्स, ये भी मैं, हाँ यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आया, इसके अंदर आया सीडलेस वैरायटी। सीडलेस वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडलेस क्या होता है कि आजकल कुछ हाइब्रिड ऐसे फ्रूट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिनमें सीड नहीं होते हैं और वो जल्दी जल्दी से मिलते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे हम बहुत जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं वो, मतलब उन 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 प्लांट्स में। तो सीडलेस वेराइटीज में जब बनती है, तो आगे डेफिनेशन दिखाऊंगा मैं आपको, उसको पार्थेनो कार्पी बोलते हैं। सीडलेस फ्रूट बनाने को पार्थेनो कार्पी इसी मॉड्यूल में नीचे दिया गया है लास्ट पेज पे। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक पौधा है उसके ऊपर की स्टेम हमने हटा दी और कोई दूसरे प्लांट की स्टेम लाके इसके ऊपर लगा दी ऐसे है, तो क्या होगा कि जो नया पौधा अभी तैयार होगा उससे हमको नई वैरायटी के कुछ अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए जो मैं ग्राफ्टिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे किया जा रहा है, ये नीचे वाला स्टेम है ये अलग, इसको बोलते हैं स्टॉक। ये बात याद रखिएगा, जो निचला हिस्सा होता है उसे हम स्टॉक के नाम से बुलाते हैं, STOCK, और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सायोन, SCION, मतलब सायोन कोई पौधे का नाम नहीं है, सायोन एक पार्ट का नाम है, जो ऊपर से लगाया जाएगा उसको सायोन कहेंगे, इस सायोन। और ये किसके साथ किया जाता है, ये मोस्टली हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं ये हो रहा है इसके साथ में, आपका कीनू आता है, माल्टा आता है, ये सब इसी प्रकार से बनाए जा रहे हैं। जो ऑरेंज जैसा दिखाई देता है आपको, मैं दिखाता हूँ वो ऑरेंज कैसे दिखता है, ये रहा माल्टा फ्रूट। तो जो ये माल्टा है, ये वाला जो ऑरेंज है आपके सामने, आपके जो आजकल आजकल आ रहा है, ये ऑरेंज नहीं है एक्चुअल में, ये माल्टा कहलाता है या किनू भी कह सकते हैं, थोड़ा सा फर्क है वैसे माल्टा और किनू में। तो ये उसी प्रकार से मतलब ग्राफ्टिंग से ही पैदा किया गया। इससे क्या लगता है, देखो स्टर्डी वेराइटी, मतलब ऐसा हमने नीचे वाला स्टर्डी लेंगे तो हमको क्या मिलेगा लास्ट में, क्या मिलेगा, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट बीरिंग प्लांट इज अटैच, मतलब ऊपर वाला सुपीरियर क्वालिटी होगा तो उससे और अच्छे मतलब हमको रिजल्ट उससे हमको मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। अभी केयर ऑफ फ्रूट प्लांट, यानी हमने जैसे प्लांट्स लगा दिए, अब वो ऐसे कभी कभी देखना वो लोग स्प्रे डालते हैं कुछ प्लांट्स पे लगे हुए, मतलब फ्रूट्स पे या प्लांट पे, ताकि वो क्या हो जाए उनसे, अगर कोई जैसे कि जल्दी जल्दी फ्रूट या फ्लावर जल्दी आ जाए। तो ये लिखा है, क्या लिखा है देखो, स्पेशल केयर इज टेकन ऑफ द फ्रूट प्लांट्स फॉर द बेटर ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी। फ्रूट प्लांट्स आर प्रून, मतलब डाला जाना, कटिंग करना, छोटे छोटे से कट कर देते हैं, प्रूनिंग कहते हैं उसको करना, यानी कि फ्लावर बहुत सारे निकले हैं, जैसे फ्लावर बहुत सारे फ्लावर एक बंच में निकले हैं तो उसके आधे फ्लावर को हटा देना, प्रून अलग छटाई करना भी होता है, नॉन फ्रूटिंग सीजन में उसकी छटाई कर दिया जाएगा ताकि अच्छे से वो घना हो जाए और ज्यादा। और फिर करेंगे क्या, स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड और कुछ प्रोटेक्शन करेंगे, स्प्रे हार्मोन्स वगैरह भी डालेंगे, हार्मोन अभी मैं आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, हार्मोन प्लांट में भी होते हैं और वो भी ग्रोथ कराने के काम में आते हैं। अच्छा, इसके बाद पॉलिनेशन वगैरह के लिए हनी बी वगैरह आसपास रखेंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब उसके बाद मैनेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को मार्केट तक पहुंचाना है, आप जानते हैं कि पैक करके डब्बे में अच्छे से तरीके से उसको भेजते हैं तो कुछ लोग उसको, ताकि दूर तक जा सके, तो ये सब है ना। स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, उसको रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मंडी, ये सब जनरल टॉपिक है, ये छोड़ दीजिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल, ये भी आपको पता है कहाँ रखना है, किसको कोल्ड हाउस में रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है कुछ चीजों को, ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें, जैसे आलू, जिमीकंद, राइजोम, ये सब, जिंजर, टर्मरिक, ये सब हम लोग कर सकते हैं। हाँ, वेजिटेबल्स जैसे पालक वालक हो गई, ये नहीं कर सकते आप स्टोर, क्योंकि ये पेरिशेबल है, खराब हो जाएगी, पर आलू प्याज ये सब कर सकते हैं स्टोर। फ्रेश वेजिटेबल तो स्टोर नहीं कर सकते, एक दो दिन में खत्म करना पड़ेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये आप जानते हैं, डिहाइड्रेट करके यानी सुखा के, गाँव में या बहुत सभी पे लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजों को सुखा के उसको स्टोर करते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि कुछ और दाल वाल मिक्स करके उसकी बढ़िया बना लेते हैं, सोयाबीन की बड़ी या ऐसे कुछ मूंग दाल की बड़ी, उसमें पत्ते पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वालक मिक्स करके रख दिया तो वो हो गया है, छिलके, छिल आम के छिलके
एप्रिकोट्स के छिलके, रेजिन, किशमिश वगैरह, पोमग्रेनेट के दाने, डिहाइड्रेशन मतलब सुखा के रख लेना ताकि आगे काम आए, पिकलिंग मतलब अचार रख लेना, विनेगर वगैरह डाल के, ये सब तो पता ही होगा आपको, जैम या जेली बना लेना, फिर ये सब करके हो गया स्टोर है। अब लास्ट टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्लांट ब्रीडिंग की, एक एकदम ही नया टॉपिक है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है पीछे वाला टॉपिक का, ये अलग होना चाहिए था पर गलती से वहां पे आ गया, यहाँ पे इसको इंटर मार के नई लाइन से लिखना है आपको, मतलब पढ़ना है, लिखने के लिए तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, अभी तक हमने ग्राफ्टिंग पढ़ाया कि एक ही प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट लगा देंगे, पर अभी हाइब्रिड पैदा पैदा करना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराऊंगा, तो मैं इसको बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आपने जानते हैं एनिमल्स में भी होता है ये, दो अलग अलग वैरायटी के डॉग्स को आपस में क्रॉस कराएंगे तो एक नई वैरायटी का हमको डॉग मिलेगा, तो उसी तरीके से दो अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गुआवा का क्रॉस मैंगो से करा दो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो अलग अलग मैंगो के बीच में क्रॉस हो सकता है, जैसे केसर आम का क्रॉस दशहरी से करा दिया जाए, या केसर आम का क्रॉस राजा या राजापुरी से करा दिया जाए, तो एक नया ब्रीड मिलेगा हमको, वो कराना पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आम का क्रॉस चीकू से करा दो, या चीकू का क्रॉस आप ऑरेंज से करा दो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो दोनों अलग अलग फैमिली के हो गए, ऐसा होना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। तो हमें क्या होगा, इसे कंबाइंड इन वन, यानी दो के गुड कैरेक्टर्स, दो प्लांट्स के गुड कैरेक्टर्स एक में कंबाइंड हो जाएंगे, तो आप ये समझ गए होंगे कि ब्रीडिंग इज एन एक्सरसाइज फॉर द क्रॉप पॉलिनेशन ऑफ टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज बट विद डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स ऑन देम, यानी होगा उसमें डिफरेंट कुछ कैरेक्टर होगा, इसलिए इसको वेराइटी बोलते हैं। स्पीसीज एक होगा, जैसे स्पीसीज मतलब मैंगो एक स्पीसीज है, गुआवा एक स्पीसीज है, बट अब उसके अंदर जो वेराइटी होती है, जैसे मैंगो में वेराइटीज होती है, बहुत सारी वेराइटीज होती है, जैसे केसर, लंगड़ा, आपूस, ये सब वेराइटी है, इनके बीच में क्रॉस कराना पॉसिबल है, और मैंगो को स्पीसीज बोलते हैं, बट आप स्पीसीज से बाहर नहीं जा सकते, आप स्पीसीज छोड़ के आप आम का क्रॉस जामुन के साथ नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो स्पीसीज चेंज हो गई। अब जामुन में वेराइटीज हो सकती हैं, हर एक में वेराइटी होती है, जैसे डॉग एनिमल ले लो आप, एनिमल्स में वेराइटीज होती हैं, डॉग के बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, कैट की वेराइटीज होती हैं, उनके बीच में क्रॉस हो सकता है, पर आप सोचो कि डॉग का कैट के बीच में क्रॉस करा दें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम वगैरह और सब कुछ चेंज हो जाता है, ये बातें और आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 9th में या 10th में। तो ये तो था आपका टॉपिक, पूरा का पूरा खत्म हो गया। आप एनिमल हस्बेंड्री है उसका भी मैंने लिंक भेजा है आपको,